बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कुछ कमियां भी हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं यहां पे बहुत कम परसेंटेज में वोट डाले जाते हैं, फिर भी वहां जो चुने जाते हैं उनको जन प्रतिनिधि कहा जाता है। क्यों कम वोटिंग होती है, इसके कारणों को जानने की जरूरत है। अक्सर हम आजकल अखबारों में या टीवी पर देखते हैं, जब इलेक्शन होता है किसी स्टेट में, या कोई बाई इलेक्शन है, या कोई लोकसभा के इलेक्शन है, या एमसी के इलेक्शन है, अखबारों में आता है, टीवी पर आता है कि फलां फलां गांव के लोगों ने एक बोर्ड लगा दिया कि हम इस बार किसी को वोट नहीं देंगे जितनी देर हमारी ये मांगे नहीं पूरी की जाती। फलां मोहल्ला ने बाइकॉट कर दिया वोटों का कि हमारे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए कोई राजनीतिक नेता ना आए क्योंकि हम इस बात से नाराज हैं। सो वोट ना देने के कारणों को भी गहराई से देखना होगा। लोगों का यकीन उठ गया राजनीति से, उस यकीन को कैसे बहाल किया जाए, उस यकीन को कैसे बहाल किया जाए, इसके लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे, कोशिशें करनी होंगी। जब मैं इलेक्शन में कंपेन कर रहा था तो मैं एक बात यह भी कहता था कि जिसको मर्जी डाल देना वोट, लेकिन वोट जरूर डालना, क्योंकि जो वोटर कार्ड है उस पर फोटो तो मतदाता की है, लेकिन उस वोटर कार्ड में शहीदों के खून की सुगंधी है, क्योंकि सांस तो लोग अंग्रेजों के समय, गुलामी के समय भी लेते थे, शादियां ब्याह गिद्दे भंगड़े तब भी होते थे, लेकिन फर्क क्या होता था, अंग्रेज वोट नहीं डालने देते थे। और शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा जैसे, शहीद उधम सिंह जैसे हजारों जो क्रांतिकारी थे, उनकी लड़ाई यही थी अंग्रेजों के साथ कि हमें वोट डालने का अधिकार दो, हम अपने नेता खुद चुनेंगे। इसी लड़ाई की वजह से उनको फांसी के रस्से पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद अंग्रेज चले गए, हमें वो वोटर कार्ड मिल गया। लेकिन अगर उस वोटर कार्ड को, उस फर्ज को हम नहीं निभाते, इसका कोई कारण होगा। कहा जा रहा है कि जो वोट नहीं डालते, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा, उन पर जुर्माना लगाया जाए, उन पर सुविधाएं काटने का तलवार लटकाई जाए, उन पर ये सुविधाएं रोको, उनको नौकरी में बाधाएं, या उनको जो गवर्नमेंट के घर हैं ये सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। हर जुर्माना, हर जो दुविधा है, क्या जनता पर ही लगेगी? जो वोटों के द्वारा चुनकर आते हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं करते, क्या उन पर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए? ये लिखकर मैनिफेस्टो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने रख दिए जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिन लोगों ने उस मैनिफेस्टो को पढ़कर वोट दिया, अगर वो मैनिफेस्टो का वादा 5 साल पूरा नहीं हुआ, तो उसके साथ जो विश्वासघात हुआ है उस वोटर के साथ, उसको कैसे पूरा करोगे आप? हर जुर्माना जनता के लिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि इसके लिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। और दुखद बात यह है कि गरीबों के एरिया में, गांव में तो वोट डलते हैं, पढ़े लिखे लोग वोट के दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं, वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं, चलो आज तो वोटों का दिन है, और उसके बाद आके 5 साल सबसे ज्यादा सरकारों को वही कोसते हैं। गरीब तो कहता है जी मैंने तो वोट डाल दी, उस दिन मुझे वोट डालने के बाद मैं तो काम पे चला गया था, सरकार जो मर्जी आए, मैंने तो खुद कमा के खाना है। लेकिन सिस्टम को कोसने वाले वही हैं जो वोट नहीं डालते। लाइन में खड़ा होना उनको अच्छा नहीं लगता, या धूप में खड़ा होना, वर्षा में खड़ा होना, सर्दी में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमें एक क्रांति लाने की जरूरत है। माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, जब हरियाणा में इलेक्शन हो रहे थे तो मुरथल के पास बहुत से सड़क के किनारे ढाबे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई एक भारतीय नागरिक होते हुए ये पढ़कर कि बहुत से ढाबों ने ये लिख रखा था अपनी तरफ से ही कि जो हरियाणा में इतनी तारीख को वोट डालकर, वो वोट वाले दिन और अगले दिन, अगर वो हमें उंगली का निशान
जो वोट का निशान उंगली पर दिखाएगा उसको इतने परसेंट खाने में हम छूट देंगे। अच्छी बात है। एक चाय की कंपनी ने एक ऐड बनाई थी कि तुम लोग सब सो रहे हो क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, तुम वोट करने नहीं गए, जागो जागो। उन्होंने अपनी चाय की ऐड बनाई थी। तो ऐसे सामाजिक एड्स, ऐसे सामाजिक हमें, चाहे वो पिक्चरों के जरिए, देखिए महोदय ये सिर्फ अखबारों में ऐड देने से लोग वोट देने नहीं जाएंगे कि वोट करो। सभी दीवारों पर, देश की अधिकतर दीवारों पर और सरकारी बसों पर लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है। क्या दहेज के मामले बंद हो गए? दहेज लेना बंद कर दिया लोगों ने? सभी बसों पर लिखा हुआ है दो ही काफी और से माफी। क्या इससे जनसंख्या पर कंट्रोल हो गया? इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। जुर्माना इसका हल नहीं है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें यह अधिकार शहीदों ने अपना खून देके हमें लेकर दिया है, इसका इस्तेमाल अगर नहीं करते हो तो शहीदों का अपमान है। ऐसी बातों को उन तक पहुंचाकर हम ये वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और एनआरआई बाहर, देश से बाहर बहुत से भारतीय बसते हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। अगर वो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, सिंगापुर, दुबई, जहां भी वो बसते हैं, उनके पास भारतीय नागरिकता है तो उनको वोट देने का अधिकार, चाहे वो ई वोटिंग से हो, चाहे वो कुछ दूतावासों में प्रबंध किए जाएं, ताकि वो भी अपने देश, कुछ उनमें से बहुत से तो हमारे देश के सिस्टम से तंग होकर, दुखी होकर ही बाहर गए हैं, शायद वो वहां से अपने सिस्टम को ठीक करने में अपना हिस्सा डाल दें और वो वापस आ जाए, उनकी वतन वापसी हो जाए। तो अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें प्रावधान करना होगा कि वोटिंग की जो परसेंटेज बढ़ानी है तो उसके लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा। और नेताओं को, राजनीतिक लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि क्यों लोग वोटों से मुंह मोड़ रहे हैं, क्या हम उनसे जो वादे करते हैं क्या वो पूरे कर पाते हैं। तो इसी की वजह से अभी नोटा आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर बता रहे थे कि अब इसके बाद हम वोटिंग मशीन पर फोटो लगाने का प्रावधान भी करेंगे ताकि एक ही नाम वाले जो कुछ उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं उनकी पहचान रहे। अच्छी बात है, धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, लोगों को जागरूक करने के लिए, और जैसे बाई इलेक्शन होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होती है, और अक्सर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो मुख्यमंत्री का चहेता आईएएस अफसर होता है, इसीलिए बाई इलेक्शन में अक्सर ज्यादा वोटिंग होती है क्योंकि उसमें बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। तो इसके लिए हमें प्रावधान करने पड़ेंगे। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए बच पाएगा अगर यहां पर लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। जो नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझते हैं, लोग उनको धरती पर नीचे उतार लेते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, बड़े बड़े हराए हैं लोगों ने। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात कहकर आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, अच्छी बात है कि वोट की प्रक्रिया को आगे परसेंटेज बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए सोशल एड्स, उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ सब मिलकर काम करें ताकि लोगों को अपनी वोट का महत्व, अपनी वोट की कीमत पता चल सके। ये वोट हमें कितने शहीदों ने अपना खून देकर, अपनी जवानियां देश के नाम लगाकर ये वोट का अधिकार दिया है, इसका मिसयूज भी ना हो, और ये भी ना हो कि इसको हम वंचित रह जाएं किसी छोटी मोटी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। तो इसके लिए मैनिफेस्टोज को और इसके लिए इलेक्शन प्रोसेस को हमें और बेहतर बनाना होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।